वोटर तो हमें वोट करता है लेकिन राजा की जान ईवीएम में है देखिए जो राजघराने में पैदा हुआ हो जिसने उपहास उड़ाया हो एक ऐसे व्यक्ति का जो एक जमाने में चाय वाला हुआ करता था ये तो राजनीति की कैसी माया है कि अब उसको वो चाय वाला राजा दिखता है अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है कई चीजों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है मैं एक क्लैरिफिकेशन मात मांगती हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार घोषणा की सार्वजनिक कि आइए टेस्ट कीजिए क्या एक बार राहुल गांधी गए बड़ा आसान है तोहमत लगाना लेकिन आप किस पे तोहमत लगा रहे हैं लोकतंत्र पर आप लोगों की चॉइस पर तोहमत लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगा रहे हैं और आपको लगता है पूरा ब्रह्मांड पूरी कायनात इस जद्दोजहद में लगी है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दो जद्दोजहद ये वोटर की है क्योंकि वोटर ने 10 वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है मैं अपना ही अगर लोकसभा क्षेत्र ले लूँ जहाँ पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा 15 साल राहुल गांधी सतत वहाँ पर सत्ता में बने रहे रूबिका जी वहाँ पर एक लाख नौ हज़ार परिवारों के घर तो पिछले पाँच साल में बने हैं चार लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है जहाँ पचास साल उनका ख़ानदान रहा अगर आप एक घर में मात्र चार लोग गिन ले सोलह लाख लोगों के पास पच्चीस लाख की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान और ये ई पे शक कर रहे हैं स्मृति जी आपने कहा कि मरते दम तक ये आपका अगर बयान सही है मैं वहाँ गांधी परिवार को अमेठी में जीतने नहीं दूंगी और ऐसा लगता है कि मेरा प्रकोप ऐसा है इस वचन का कि रायबरेली से भी गायब हो गए हैं <laughs> पर, पर आप ये भी मानेंगी नहीं पर लेकिन लेकिन ये 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 ऐसी भावना क्यों ये गुस्से की, की है, ऐसी ये ये है। ऐसा है मैं ऐसी भावना इसलिए कह रही हूँ रूबिका जी अगर आपने चार लाख गरीब औरतों को अंधेरे तलाशते हुए देखे हों कि वो खुले में शौच कर सके उस इलाके में जहाँ पचास साल इस खानदान ने राज किया हो आपको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना कि मुझे अगर आपने तीन लाख लोगों को घर में बिना स्वच्छ पानी के जीते देखा हो उस इलाके में जो प्रधानमंत्री चुन के देते थे तो आपको भी कहीं ना कहीं ये मन में कोलाहल होता होगा जैसा मुझे होता है अगर आपने चार लाख लोगों को बिना छत के देखा हो आप जानते हैं जहां पचास साल गांधी खानदान का राज रहा राहुल गांधी पंद्रह साल वहां पर अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे दस साल उनकी माताजी यूपीए की अध्यक्ष थी उनके मित्र अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी आपको पता है कि कलेक्टर के ऑफिस का शिलान्यास अमित शाह ने आकर किया वहाँ पर पहला सीटी स्कैन का मशीन मोदी सरकार लाई पहला डायलिसिस का सेंटर मोदी सरकार लाई पहला ब्लड बैंक मोदी सरकार लाई पहला पासपोर्ट का ऑफिस मोदी सरकार लेके आई ये एक ब्लड बैंक नहीं बना पाए वहाँ क्यों नहीं बना पाए इच्छा नहीं थी क्योंकि जब तक लोग इनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं तब तक इनको वोट मिलता नहीं आप कल्पना कर सकती हैं कि ये ऐसा खानदान है इनकी राजनीति ऐसी है कि गरीब को इन मूलभूत सेवाओं से वंचित रखो सा, ताकत थी साधन था हुँ. प्रोसेस में पॉलिसी में इनका सहयोग था चाहते तो कर सकते थे जानबूझ कर नहीं किया लेकिन आप ये भी मानेंगी कि आपके वहाँ जाने से जाने तक उनको ही अमेठी चुनती थी ऑप्शन नहीं था शायद ऑप्शन नहीं था टेनेसिटी का और मैं बता दूं आनंद कोई आसान लड़ाई नहीं है मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा इतना खौफ था उस खानदान का मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर दो लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी खौफ की भाषा थी अमेठी में आप अगर कभी मैंने कहा गांधी जी से शरद यादव जी तो अब नहीं हैं, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए लोगों को निर्वस्त किया गया है गोलियां मारी गई हैं अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए गोली चली है भाई साहब तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंड साइड कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहू किया होगा इसलिए वोट पड़ गया वहां एक लाख बीस हजार घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है आप बिलीव करेंगे जहां पचास साल उनका राज था वहां साठ प्रतिशत घरों में कभी बिजली नहीं थी तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो तो जब आपको कहा गया कि आप वहां चुनाव लड़िए या अब आपको कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया आपका गृह प्रवेश घर बनाया है गृह प्रवेश हुआ है उसकी आपको बधाई लेकिन उसमें भी आपको पांच साल लग गए हाँ तो वो अटल जी की कविता है ना हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ <laughs> <laughs> तो, अब तो जिसके पास नेता ऐसे हो जिनकी